हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सोलसिस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू ऑल दोस इंटरेस्टेड एस्पिरेंट्स जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं यानी कि BSc परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेस्ट एग्जामिनेशन और नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इस एग्जामिनेशन के थ्रू डिफरेंट निसा के जो कैंपसेस है बीट भुवनेश्वर और मुंबई वहां पर स्टूडेंट जाके BSc के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10+2 विद साइंस एज अ बैकग्राउंड होना चाहिए एंड मिनिमम 60% मार्क्स अक्रॉस योर प्रेफर्ड डोमेन दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और PCB में होना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के कंटेंट के ऊपर। बेसिकली हम इस वीडियो में इस एग्जामिनेशन को पूरा ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन के कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। विल ट्राई टू गेट डेवलप ए स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इसके अलावा विल फोकस ऑन द की एरियाज ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड कहां से हमें प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग टू अपीयर फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैन गो थ्रू दिस सो दैट दिस कैन बेनिफिट देयर ओन प्रिपरेशन। तो अब लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स इन फोकस को अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 प्राइमरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड फाइनली जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के जो 4 सेक्शन है यहाँ पर हमें कुल 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है यहाँ पर हमें बस 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हर एक टोटली हमारे पास 230 क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जामिनेशन कुल 3 घंटे का एग्जाम होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी में से स्टूडेंट्स को बेसिकली 3 सेक्शंस अटेम्प्ट करने होते हैं, PCB या PCM डिपेंडिंग अपॉन देयर चॉइस। तो अब हम इन पूरे सेक्शंस को ही जनरली कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन की। जनरल एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है इसका बेसिकली कोई फिक्स पैटर्न है नहीं। यहाँ पर आपको 10th तक के मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा यू कैन कम अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइंस जो कि 10th तक के लेवल की हो सकते हैं। यू माइट कम अक्रॉस LR क्वेश्चंस जो कि लॉजिकल रीजनिंग के होंगे या छोटे छोटे DIs आपको मिल सकते हैं। पजल्स शेप्स के ऊपर भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जनरल एप्टीट्यूड उतना डिफिकल्ट होता नहीं है और इस सेक्शन का सबसे खास बात यह होता है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। सो आप 300 के 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो अपने अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एंड मल्टीपल बुक्स एंड सोर्सेस अवेलेबल है जहां से कि आप ये जो बेसिक कंटेंट होता है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का इसको कवर अप कर सको। सो जनरल एप्टीट्यूड विल बी द इजिएस्ट सेक्शन एज फार एज द एंटायटी ऑफ द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। इसके बाद हम आते हैं जो हमारे प्राइमरी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर 50-50 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और इन सब क्वेश्चन में हमें 1/4 ऑफ द मार्क कंटेंट बाय ईच क्वेश्चंस का नेगेटिव मार्क भी देखने को मिल जाता है। तो अब आते हैं इन चारों सेक्शन के ऊपर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी और इनके सिलेबस क्या होता है। ये चारों जो सेक्शन है यहाँ पर प्राइमरीली 10+2 लेवल तक की जो सिलेबस होती है हर एक सब्जेक्ट में वही इनका सिलेबस होता है। जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हम बेसिकली किसी भी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं चाहे वो मेडिकल हो इंजीनियरिंग हो या फिर किसी भी अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए अगर हम तैयारी करते हैं यहाँ पर भी वही सेम सिलेबस फॉलो हो जाता है। सो हाउ शुड वी गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। पहले तो आप ये चूज कर ले कि आपको कौन से पेपर्स में अपियर करना है, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर बायोलॉजी और यू वांट टू ऑप्ट फॉर मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री दैट्स मोर ऑर लेस अ कंपल्सरी सेक्शन। चूज कर ले आप किस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहेंगे एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। गेट ऑल द नेसेसरी बुक्स आपके 11-12 NCERT और आपका जो कोर्स कंटेंट बीट आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर ICSE बोर्ड से हो आपका मेन जो सिलेबस की बुक है NCERT आई वुड कंसिडर ये सारे पहले आप कवर कर लो एंड ट्राई बिल्ड अप अ बेसिक टूवर्ड्स ऑल दिस सब्जेक्ट। अपने फंडामेंटल्स पहले तो क्लियर करें एंड देन गो टू मल्टीपल मटीरियल दैट आर अवेलेबल। आपको कोई भी मटीरियल पसंद हो आपको कोई भी ऑनलाइन PDFs अगर आपको मिले गेट योर हैंड ऑन दोज एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दोज। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स प्रैक्टिस एज मेनी न्यूमेरिकल्स एज यू कैन।
मैथ्स में भी आप जितने ज्यादा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लगाओगे, जितने ज्यादा अलग तरह के डेटा सेट्स को एनकाउंटर करोगे अलग अलग मटेरियल से, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये पेपर देखा गया है कि जनरली काफी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होता है। बायोलॉजी की बात करें, एनसीईआरटी और जो कोर्स कंटेंट का जो बुक है वो मोर देन सफिशियंट होना चाहिए, क्योंकि दे कवर ऑलमोस्ट एंटायरिटी ऑफ द सिलेबस। गो थ्रू दोस, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सिलेबस, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन गो अहेड विद योर अप्रोच। एक बात आपको याद रखना होगा इन पर्टिकुलर चार सेक्शंस में कि सिंस देयर इज नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो पॉइंट इन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एग्जामिनेशन। आप जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में साढ़े के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन बाकी के जो सेक्शंस होते हैं जिसमें से आपको तीन अटेम्प्ट करने हैं, आप चार अटेम्प्ट करो तो भी बेस्ट ऑफ थ्री ही कंसिडर होगा। तो वहां पर आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे या उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दोगे जिसका कि आप श्योर श्योर हो कि वो सही होने वाले हैं। सेम आप किसी क्वेश्चन में अगर डाउटफुल हो, विल ट्राई एंड अवॉइड गेस वर्क एज मच एज पॉसिबल। गौरतलब एक बात पर गौर करें कि सपोज मैं किसी क्वेश्चन में अटक चुका हूं और उसके चार ऑप्शंस है, ओके चार ऑप्शन में से मैंने दो ऑप्शंस को लॉजिकली एलिमिनेट कर दिया, मुझे पता है जो आंसर है वो बाकी इन दो ऑप्शंस में से किसी एक में होगा, तो अब मैं यहां पर एक कैलकुलेटेड गेस ले सकता हूं। इससे मेरा बेनिफिट ये है कि यहां पर मेरे सही होने के भी उतने ही चांसेस है जितने के मेरे गलत होने के चांसेस है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 50-50, सो आई कैन गो फॉर ए कैलकुलेटेड गेस इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन मेट नहीं होती है, देन वी विल नॉट फॉलो दिस अप्रोच और हम कोई भी गेस वर्क के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना स्कोर जो ऑलरेडी है हमें उससे कम नहीं करवाना है। तो ये स्ट्रेटेजी यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड सिंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपका जो तीन घंटे के टाइम फ्रेम है, आपको उनमें ये चार सेक्शंस कंप्लीट करने हैं बाय एनी हाउ, सो बी केयरफुल इन डिवाइडिंग द सेक्शनल टाइमिंग। कोई यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग तो होती नहीं है, सो यू हैव टू अलॉट इट योरसेल्फ। तो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और ज्यादा टाइम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्पेंड ना करें। अब विद दैट बीइंग सेड, आई बिलीव वी हैव कवर्ड द एंटायरिटी ऑफ द नेक्स्ट सिलेबस इन दिस वीडियो। ऑल दोज एस्पिरेंट्स हू आर लुकिंग टू अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन डाउन द लाइन और आर करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर दिस must have gained some necessary insights on the same, and hopefully this video can help you with your preparation phase. So with that being said, this is Divine Chakravarti. I'm signing out. Thank you so much.